एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इट मीन्स उन इक्वेशंस की जो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती हैं, तो हम किस तरीके से उनको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि इसमें बताया गया था, इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ सच पेयर्स ऑफ इक्वेशन विच आर नॉट लीनियर बट कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर फॉर्म बाय मेकिंग सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस। तो ये बता रहे कि हम इस सेक्शन में उन इक्वेशंस के पेयर के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे जो कि लीनियर तो नहीं होती हैं, लेकिन कुछ सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद हम उनको लीनियर इक्वेशंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस गिवन है, एक है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, जबकि सेकेंड है 1/3x माइनस 1/2y इक्वल टू माइनस के 5/6। तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं वो लीनियर इक्वेशंस नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वेरिएबल हैं, चाहे वो x हो या y हो, वो दोनों ही डिनोमिनेटर में हैं, और जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल की पावर अगर 1 होती है तभी उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। यहाँ पर वेरिएबल क्योंकि डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आप इसे शिफ्ट करेंगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी और वो लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा? तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा जिससे कि हम इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में चेंज कर सकें। तो किस तरीके से किया जाएगा? जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कभी भी वेरिएबल अगर आपको डिनोमिनेटर में गिवन है तो हम उसको किसी सुटेबल सब्स्टिट्यूट, मतलब कोई सुटेबल वेरिएबल से वहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं जिससे कि इक्वेशन वहाँ पे लीनियर बन सके। जैसे कि वेरिएबल यहाँ पर अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, तो हम यहाँ 1/x और 1/y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/x को a से और 1/y को b से। ये ध्यान रखिएगा, x और y को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, x और y को यहाँ पर हमें रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि x और y के प्लेस पे अगर आप कोई दूसरे वेरिएबल को पुट करेंगे तब भी वो इक्वेशन लीनियर नहीं बनेगी। तो 1/x और 1/y आपको लेना होगा जिससे कि जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आपके आ सकें। ठीक है, तो इसलिए 1/x को a और 1/y को यहाँ पर बी लिया जाएगा। ठीक है, किस तरीके से लिया जाएगा वो आपको दिखा रखा है। जैसे 1/2x है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3y को लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू में 2 था। अब 1/x को हमने a ऐड किया था, ये बन गया 1/2 इंटू a, और यहाँ पे 1/y को हमने b ऐड किया था तो 1/3 इंटू b इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन बन गई a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखा करो, कभी भी इक्वेशन अगर फ्रैक्शन में आ रही है, हालांकि वो लीनियर इक्वेशन बन चुकी है अब यहाँ पर a और b में, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया करो। अगर आपको कभी भी इक्वेशन में अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन है, उनके कोफिशिएंट अगर फ्रैक्शन में गिवन है, तो आप एलसीएम लेकर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2, 3 का यहाँ पर एलसीएम या 6, तो ये सॉल्व करके इक्वेशन बन जाएगी 3a + 2b इक्वल टू 12। ठीक है, ऐसी सेकेंड इक्वेशन में भी हम 1/3x को लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x, 1/2y को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/y, फिर 1/x को ऐसे सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, 1/y को बी से सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा, तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2a - 3b इक्वल टू -k 5। अब ये जो इक्वेशन बनकर आएंगे a और b के टर्म्स में, हम पहले इक्वेशन को जो फर्स्ट इक्वेशन से बनेगी इक्वेशन a और b में उसको कहेंगे थर्ड, जो सेकंड इक्वेशन से a और b में इक्वेशन बनकर आएगी उसे कहेंगे हम फोर्थ। तो सबसे पहले हमें थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अब क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशन हैं, तो आप कोई भी मेथड यूज़ करके, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, कोई भी मेथड यूज़ करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया इनको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल नहीं है, तो हम पहले बी के कोफिशिएंट को इक्वल बना रहे हैं। तो बी के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए, क्योंकि एक में बी का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और एक में बी का कोफिशिएंट यहाँ पे -k 3 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करके 3 नहीं बना सकते और 3 को मल्टीप्लाई करके 2 नहीं बना सकते। तो इस केस में आपको हमने बोला था कि जो 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल होगा वो 6 होगा, तो इसलिए पहली इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसलिए दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगी 9a + 6b इक्वल टू 36, और सेकेंड इक्वेशन में 2 से करते हैं तो 4a - 6b इक्वल टू -k 10। ठीक है,
अब यहाँ पे बी के कोफिशेंट इक्वल बन गए, साइन डिफरेंट है, तो आपको बोला गया था जब कोफिशेंट इक्वल हो, साइन डिफरेंट हो, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड का मतलब साइन बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो 9a+4a हो जाएगा वो 13a, और इसके बाद तो 9a+4a ये बन गया 13a, बी की टर्म ये कैंसिल आउट हो गया, और 36 - 10 ये आ गया आपका सॉल्व करके 26। तो 13a=26, देन a=, आगे सॉल्व करके 2। आप ए की वैल्यू को आप चाहे थर्ड में या फोर्थ में पुट कर सकते हैं। तो हमने ए की वैल्यू को थर्ड में पुट किया, पहले थर्ड इक्वेशन को लिखा, ए की वैल्यू को यहाँ पर ए के प्लेस में पुट किया, सॉल्व किया, बी आ गया 3। पर ध्यान रखिएगा ये ए और बी निकालने के बाद यहाँ सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इसके बाद जो हमने वहाँ पर सब्सटीट्यूशन स्टार्टिंग में किया था, हम उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने 1/x, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इक्वेशन आपके एक्स और वाई में थी, भले वो लीनियर नहीं हो लेकिन आपको सॉल्यूशन एक्स और वाई का ही निकालना पड़ेगा। तो इसलिए ए और बी को निकालने के बाद जहाँ पर आपने सब्सटीट्यूशन किया था स्टार्टिंग में, आप उसको उस कंडीशन को दोबारा यूज़ करेंगे। तो इसलिए 1/x को हमने ए ऐड किया था, अगर आपको याद हो तो। हम ए के प्लेस पे ए की वैल्यू पुट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाती है। हमने 1/y को बी के इक्वल ऐड किया था, बी की वैल्यू को पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन वाई की वैल्यू निकल कर आ गई। तो इस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब भी कोई इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ना हो, तो उसको लीनियर इक्वेशन में पहले रिड्यूस करना होता है सब्सटीट्यूशन करके, सुटेबल सब्सटीट्यूशन करके, देन उसके बाद सॉल्व करके, वापस वैल्यू को पुट करके हम वहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, 5/(x-1) + 1/(y-2)=2, और सेकंड इक्वेशन है 6/(x-1) - 3/(y-2)=1। अब ये जो इक्वेशन है ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें भी वेरिएबल अपॉन में आ रहे हैं। अब वेरिएबल अपॉन में आने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक्स और वाई अपॉन में आ सकता है। जैसे यहाँ पर एक्स और वाई यहाँ पर आपके सिंगल टर्म्स में नहीं है, एक जगह एक्स के प्लेस पर x-1 है और दूसरी जगह वाई के प्लेस पर y-2 है। तो हमें फिर उसमें यही ध्यान रखना होगा कि इस तरीके से वहाँ पे हमें सब्सटीट्यूशन यूज़ कर रहा है कि जिससे कि आपके वो सिंगल वेरिएबल में वो रिड्यूस हो सके। जैसे कि यहाँ पर हम सिर्फ 1/x को इलेक्ट नहीं करेंगे, हम 1/(x-1) पूरे को इलेक्ट करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर के टर्म पूरी तरीके से वो रिड्यूस हो जाए। ऐसे ही 1/(y-2) को हम बी इलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब 1/(x-1) के प्लेस पे ए और 1/(y-2) के प्लेस पे बी पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से, ये दो, एक 5a+b=2 और एक 6a-3b=1। इनको भी सॉल्व करेंगे हम फिर एलिमिनेशन मेथड से, ए और बी को ऑप्टेन करेंगे। अब लेकिन फिर जैसे आपको बताया गया, ए और बी को ऑप्टेन करने के बाद जो स्टार्टिंग में आपने सब्सटीट्यूशन यूज़ किया था, वहाँ पर ए और बी की वैल्यू को पुट करके आप सॉल्यूशन करके एक्स वाई को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है 3.6, इसमें कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो इनको ध्यान से समझकर आप बाकी के क्वेश्चंस को करके देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।